अरे भैया जल्दी करो ना, बहुत देर हो गई है। हाँ ये लो। अब तक आए क्यों नहीं ये? अरे भाई वो सितारगढ़ की बस कब मिलेगी? वो तो एक घंटा पहले निकल गई, अब तो थोड़े वक्त के बाद ही मिलेगी। इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं लगती, शायद आज रात को भी नहीं लौटेंगे। आज शाम को काम से लौटते समय मेरे लिए कान की बाली ले आओगे? हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी आई ने दहेज में काफी पैसे दिए थे। अच्छा जी ये बात है, आपके पप्पा भी कुछ छोड़ के नहीं गए हैं और आपने भी मुझे कोई सितारगढ़ की रानी बना के नहीं रखा है। आप तो नाराज हो गए। हे गणपति बापा, मैं तो मजाक कर रही थी, माफी। रानी नहीं बल्कि महारानी बना के रखते हो आप तो मुझे। आप जितना प्यार और देखभाल करते हो ना, उतने मेरे आई बाबा भी नहीं करते। अब हंस भी दो। बल्कि सच बात तो ये है कि सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना काफी दुर्भाग्य की बात है। आए बड़े काफी दुर्भाग्य की बात है। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। हाँ तो रेवा देने मारी मराठन, आ गुजराती हावट डरे छे थोड़ी कोई ना थी। ठीक फिर रात को मिलते हैं। टिफिन। क्या बात है रे आनंद, अभी तो इतना खुश लग रहा था और अचानक इतना दुखी। कुछ नहीं। अगर अंदर रखेगा तो जहर बन जाएगी बात है, बाकी आगे तेरी मर्जी। मैं शीतल को खुश नहीं रख पा रहा शायद। अबे पूरा सितारगढ़ तुम दोनों के प्यार की कसम खाता है। तू समझ नहीं पा रहा है यार। देख अब तू ये कुछ ज्यादा सोच रहा है। एक काम कर, अभी बस स्टॉप पहुंचने में वक्त है, तू थोड़ा आराम कर ले। ओह
देर कर दी आने में। शादी मुबारक हो। तुम्हें भी। हम भी आए बाबा की तरह साथ साथ रहेंगे। ना, ना ही तेरे माँ बाप की तरह और ना ही मेरे माँ बाप की तरह रहना मुझे। हम दोनों अपने पापा के साथ बचपन से उनकी मजदूरी की जगह पे जा रहे हैं और आज तक हमने उनको सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सिर्फ एक ही जगह पे मजदूरी करते हुए देखा है। और घर जाके खाना खा के सो जाओ ताकि सुबह उठकर वापस जा सके। मैंने मेरी माँ को शादीशुदा होने के बावजूद अकेले होते हुए देखा है। वो लोग 24 घंटों में से सिर्फ 2-3 घंटे साथ बिताते हैं। मैं यही चीज़ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं गांव में ही कोई काम देख लूँगा ताकि तुम्हारे साथ समय तो गुजार पाऊँ। कम कमाएंगे पर खुश रहेंगे। मैं तुम्हें अकेला महसूस होते हुए नहीं देख सकता, बस खाली कोई काम मिल जाए गांव में कैसा भी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं भी। आनंद चल उतर, पहुंच गए हम। शीतल, शीतल। अरे क्या हुआ कमला इतनी जल्दी में? तू चल मेरे साथ, मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। अरे पर किससे? अरे चल तो सही। अरे पर कमला हम जा कहाँ रहे हैं? अरे तू चल तो सही। लोग कहते हैं उनसे मिले सारे आशीर्वाद पूरे हो जाते हैं। हम उनसे तेरी भरी कोख मांगेंगे, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस इस बार तेरे पांव भारी हो जाएं और तेरे घर में खुशियां आ जाएं। भगवान तुम्हें खुश रखे। सुखी रहे बेटा। 100 बरस का हो बेटा। मासी बा, ये है मेरी पक्की दोस्त शीतल। 2 बार पेट से होते होते रह गई है, आप आशीर्वाद दो ना इसको। ये पैर छूना। अरे अरे बहुत चरमा, तुझे खुश रखे, तुझे दुनिया की सारी खुशी दे और तेरी पहली कोख भर दे। इस बार तो कुछ नहीं मांग रही, पर जब बच्चा होगा तब मांगूंगी। तू घर जा, मैं आती हूं। Thank you.
शीतल, ये क्या? ऐसे आंसू बहाने से नया मेहमान आ जाएगा? मैं समझ सकती हूँ तेरा दर्द, पर ऐसे तो तू अपनी तबीयत ही खराब कर बैठेगी ना। पर हमने कितनी कोशिश की, अब मुझ में ही कमी है तो कैसे हो पाएगा? उन्होंने आज तक मुझसे कुछ भी मांगा नहीं है, लेकिन उनकी संतान करने की इच्छा तक मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत मजबूर और अकेला महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन्हें खुशी नहीं दे पा रही। मुझे नहीं लगता ऐसा, तेरे पास तेरा पति तो है। मैं तो तुझसे भी ज़्यादा अकेला महसूस करती हूँ, विधवा जो हूँ। अगर मैं तुझे अपनी कोख दे पाती ना बच्चा पैदा करने के लिए, तो मैं ज़रूर देती और बच्चे को दो दो माओं का प्यार दिलाती। पर अब मैं क्या करूं? अरे आशीर्वाद मिल चुका है ना, अब तो बच्चा बस होना ही होना है। आप तो सच में ले आए। मेरी महारानी जो हो तुम, तो आपकी फरमाइश पूरी करनी ही थी। बहुत सुंदर है। तुमसे कम। ठीक है ठीक है, खाना खाते है? हाँ बहुत भूख लगी है और थक भी बहुत गया हूँ मैं। आप तो कह रहे थे ना शाम 5 बजे तक आ जाओगे, फिर आते आते 6:30 कैसे हो गए? अरे मालिक आने दे तब आऊ ना। चलो शीतल। हाँ जरा यहाँ आना। अभी नहीं, बाद में। तुम्हें कितनी बार बोला है कि उसे समझा के रखो, पीछे से ना पुकारे। पनौती अपने पति को तो खा गई, अब हमारी जिंदगी में जहर घोलने आई है। क्या आप भी ऐसा करते हो? चलो। क्या हुआ विजय? आनंद बैठ। यार कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, हमारी ट्रीटमेंट्स तो चली रही है पर कुछ खास, आज भी रिपोर्ट्स कुछ खास नहीं है। भाभी आप दवाई तो टाइम पे ले रही हो ना? हाँ भाई साहब। अब क्या विजय? देख आनंद, धीरज रख और ये दवाई और ट्रीटमेंट्स पर भरोसा रख। मैं कह रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लेती हूँ, फिर खाना लगा देती हूँ।
हेलो हेलो दरेक भाइयों ने बहनों ने विनंती कि आरती नो समय थई गया होवा थी आरती ना स्थले पधारो आ विनंती बोलो श्री अंबे मात की जय आरती में आ जाना हे जग जननी माँ आप तो अपने बच्चों की इच्छा बिना कहे ही सुन लेते हो ना फिर मेरी क्यों नहीं ठीक है मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं पेट से नहीं होती तब तक मैं खुले पैर रहूंगी मैं उनको दुखी नहीं देख सकती माँ मैं उनकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ शीतल आज तो नवरात्रि शीतल ये क्या कर रही है क्या कर रही है तू ये अरे आनंद आ गया देख आनंद मैं तेरी परेशानियों को समझता हूँ लेकिन तेरे दुख तेरी समस्या इन सब के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हाँ लेकिन तेरा दोस्त होने के खातिर तेरी मदद कर सकता हूँ ये ले ये क्या है ये उस शख्स का पता है जिसके पास सारे परेशानियों का हल है लेकिन एक बात याद रहे इनको सिर्फ रात को ही मिला जा सकता है और थोड़ा ध्यान रखना ये थोड़े पागल है चल रिक्शा आ गई बाबा मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है मैं सब जानता हूँ
ढोंगी, स्वार्थी है। बाबा ये आप क्या बोल रहे हो? चुप। पर अब बाबा की झोपड़ी पे आया है तो तेरी मदद करनी ही पड़ेगी। बाबा आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बहुत मेहरबानी होगी बाबा। चल बस अब आंखें बंद कर। जी बाबा। बोल, बता इसमें से किस उंगली को मैंने छुआ है? बीच वाली उंगली बाबा। रोज एक एक निगल लेना। दारू पीता है? आज से बंद। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत। चल निकल अब। प्रणाम बाबा। अब तुझसे मुलाकात तब होगी जब तू और तेरी मर्दांगी बचेगी तब होगी। कहाँ थी? नवरात्रि को खत्म हुए 17 दिन हो गए हैं। वो कमला की तबीयत। खाना क्यों नहीं बना? बोलो। कमला की तबीयत खराब थी तो उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, तो थोड़ी देर हो गई। अब बना देती हूँ ना खाना। देर हो गई तो कल और परसों कहाँ थी रात को? कमला के घर तो वहीं क्यों नहीं रह लेती? तुम्हारा पति पूरा दिन काम करता है, उसकी तुम्हें कोई कदर नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम समझती कि पति काम से आएगा तो उसे भूख लगी होगी, खाना बना लेती हूँ और रात को कहीं ना जाऊँ, क्योंकि 24 घंटों में से सिर्फ कुछ समय मिलता है साथ बिताने को। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सहेलियाँ और तुम
बस यही सब कुछ है। आप गलत समझ। फालतू में पीकर शीतल से झगड़ा कर दिया। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उससे, और ऊपर से उसको धक्का भी मार दिया। काफी नाराज लग रही थी वो। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, आज रात को काम से लौटते समय उसके लिए साड़ी और उसका मन पसंदीदार सामान ले जाता हूँ। हाँ, और माफी मांग के मना लूंगा उसको। वाह वाह, ऐसा तो क्या बना रही हो जो इतनी खुशबू आ रही है? मराठी डिश है, इनको बहुत पसंद है। पर आज तू और घर इतना चमक क्यों रहा है? मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? क्या है आज? तुम्हारी सालगिरह? किसी का जन्मदिन? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? वो कल रात ये मेरी वजह से थोड़े परेशान भी हो गए थे, और हम दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा भी हो गया था। वो कल पूरी रात बाहर ही थे, तो सोचा कि उनके लिए ये बना दूँ। तो बस ये सब उनको मनाने के लिए ही प्रयास है। तू बता, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। तेरी तबीयत कैसी है? कल से अच्छी है। ख्याल रख अपना, और वो आते होगे तो तू अब जा। ठीक है, जाती हूँ। अरे भैया, जल्दी करो ना, बहुत देर हो गई है। हाँ, ये लो। अब तक आए क्यों नहीं ये? अरे भाई, वो सितारगढ़ की बस कब मिलेगी? वो तो एक घंटा पहले निकल गई, अब तो थोड़े वक्त के बाद ही मिलेगी। इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं लगती। शायद आज रात को भी नहीं लौटेंगे।
मुझे माफ कर दो। मैं आपको खुश नहीं रख पाई, ना ही मैं अच्छी पत्नी बन पाई। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं आपको संतान नहीं दे पाई। मुझे माफ कर दो। शीतल, 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 आनंद, 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 मेरे भाई, मेरे दोस्त, मिठाई बांटो। दुखी होने का समय गया, अब खुशियां ही खुशियां। तू बाप बनने वाला है दोस्त। हाँ, ओए, ओए, क्या हुआ? ओए आनंद, तू रहने दे, मैं भाभी से ही बात कर लेता हूं। तू इस बार देखना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ आनंद? हुआ क्या है? शीतल, शीतल, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, देखो ना, जिंदा है कि? शीतल, क्या किया तूने ये मेरी बहन? आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? हत्या? क्या? हाँ, मारा गया है इसे। क्या बोल रहे हैं आप? सच, आनंद ने मारा है इसे। जब पहली बार भाभी का मिसकैरेज हुआ था, तब मैंने आनंद को अकेले मिलने बुलाया था। विजय, तूने बुलाया? हाँ आनंद, कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना, अभी तो मैं और तेरी भाभी यहाँ से गए, तब बात कर लेता। हाँ, पर ये बात मुझे अकेले में करनी थी, इसीलिए। कुछ गंभीर है? देख आनंद, इस बार जो भाभी का मिसकैरेज हुआ ना, उसका कारण भाभी नहीं बल्कि तू है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मुझ में थोड़ी कुछ कमी हो सकती है। तू रिपोर्ट फिर से करवा। देख आनंद, भाभी के मिसकैरेज का कारण
उसका कारण पुअर स्पर्म क्वालिटी है। तू स्वस्थ नहीं है दोस्त। साले तू दोस्त नहीं होता ना तो। आनंद सच बता। देख भाई इसका इलाज है, तू टेंशन मत ले। मुझसे एक वादा कर। क्या? कि तू शीतल या किसी को ये बात नहीं बताएगा। पर तुझे भाभी को तो यह बात बतानी पड़ेगी ना, भाभी के मानसिक हालत के बारे में भी सोच। नहीं, आधे गांव को यह बात पता है कि मिस करेज हुआ है। अगर किसी को पता चला कि मुझमें ही कुछ कमी है तो लोग मुझे नामर्द कहेंगे, मेरी मर्दांगी पर सवाल उठाएंगे। नहीं, तू मेरा दोस्त है ना, मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुझे और तेरे रिपोर्ट्स को यही बोलना है कि कमी शीतल में है। नामर्द खूनी साला। जिसको दर्दों में डुबोया है, तेरे नाम को लेके सोया है, जो पास में तुझको हासिल था तूने उसको भी खोया है। तेरी ही अपनी गलती ने सुनसान बना डाला तुझको, ये मर्दी और नामर्दी ने शैतान बना डाला तुझको। तुम्हें आपस में गल करना था और मसलों को हल करना था, जो साथ में देखे थे तुमने वो ख्वाब मुकम्मल करना था। इस छोटी सोच के गांव ने हैवान बना डाला तुझको, ये मर्दी और नामर्दी ने शैतान बना डाला तुझको। देखा, मैंने कहा था तू पाखंडी है, तू डोंगी है, तू खूनी है, खूनी तू पाखंडी है, कातिल है, तेरा बचना भी मुश्किल है। उसके सीने में तो दिल था, क्या तेरे सीने में दिल है? इतना चाहा उस लड़की ने, भगवान बना डाला तुझको, ये मर्दी और नामर्दी ने शैतान बना डाला तुझको। पाखंडी। आंखों का शबनम पी लेते, एक दूजे का गम पी लेते, हमराज हमें जो करता तू, हम दुख के मौसम पी लेते। तेरी खुदगर्जी ने कैसा अनजान बना डाला तुझको, ये मर्दी और नामर्दी ने शैतान बना डाला तुझको। है कौन जिसे आराम नहीं, दर्दों में डूबी शाम नहीं, जिसको हम हल नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी काम नहीं। लोगों के डर ने ये कैसा बेजान बना डाला तुझको, ये मर्दी और नामर्दी ने शैतान बना डाला तुझको। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं भी।